नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ। और आज का जो टॉपिक है वो है कि वायग्रा या टेडालाफिल, इन दोनों गोलियों में से कौन सी बेटर है, अगर दोनों में से सेम है तो कौन सी ली जाए, और इनको लेने का तरीका और इनके साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिकली मार्केट में सेक्स की गोली या इरेक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने वाली मेडिसिंस में PDE5 inhibitors मतलब फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स दो टाइप है, दो वैरायटी में आते हैं। एक है सिडनाफिल और एक है टेडालाफिल। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, और इनके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, पर ये सबसे कॉमनली यूज सबसे कॉमनली मिस यूज मेडिसिन में से है। सबसे समझेंगे कि PDE5 इनहिबिटर्स होते क्या है। तो नॉर्मली जो पेनिस है, पेनिस की ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड या NO नामक केमिकल की जरूरत होती है। तो नॉर्मली जब संभोग की इच्छा होती है या शरीर में उत्तेजना होती है, तो पेनिस के अंदर NO का भरपूर प्रोडक्शन होने से पेनिस में इरेक्शन आता है। विद एज या विद डायबिटीज़ या किसी भी कारण से अगर NO की प्रोडक्शन कम हो जाए या पेनिस में ब्लड फ्लो कम हो जाए, तो उसको आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करने के लिए, पेनिस की ब्लड फ्लो को आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करने के लिए NO बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर जो NO है, NO बेसिकली आर्जिनिन से बनता है। तो आर्जिनिन जो है नाइट्रस ऑक्साइड में बनता है, और इसकी यूटिलाइजेशन के लिए एक एंजाइम होता है PDE5, जो बेसिकली NO को डिग्रेड करता है, जो NO जो बन रहा है उसको फटाफट ख़त्म कर देता है। तो जो अगर हमको ये दवाई दे जो इस PDE5 एंजाइम को ब्लॉक कर दे, जिस कारण से पेनिस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड या NO की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है और उस कारण से इरेक्शन अच्छा आता है। तो PDE5 इनहिबिटर्स के अंदर तीन क्लास ऑफ ड्रग्स है एक्चुअली, एक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सिडनाफिल, टेडालाफिल और वर्डानाफिल। वर्डानाफिल अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर सिडनाफिल और टेडालाफिल दोनों इंडिया में अवेलेबल है। दोनों ही ड्रग्स, सिडनाफिल वायग्रा के नाम से फेमस हुई थी, ब्लू पिल के नाम से फेमस हुई थी, नीली गोली जो ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर ड्रग था फाइजर कंपनी का, जो पूरे विश्व में जब आया था तो उसने पूरे विश्व के अंदर कमाल किया था। पर वायग्रा के अपने साइड इफेक्ट्स थे और वायग्रा की अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिस कारण से उसका नेक्स्ट वर्जन या जनरेशन 2 ड्रग या जनरेशन 2 वायग्रा, जिसको टेडालाफिल बोलते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हुआ। तो टेडालाफिल वायग्रा से बेटर है कुछ चीज़ों में, उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल वायग्रा से बेटर है। तो जो सबसे मेन तीन बेनिफिट है टेडालाफिल के सिडनाफिल के ऊपर, वो ये है। पहला, जो सिडनाफिल है अगर उसको खाने के साथ लिया जाए, फॉर एग्जांपल आपने डिनर कर लिया है या आपने कुछ अल्कोहल ली है और उसके साथ अगर आप वायग्रा लेते हैं, तो आपको वायग्रा का असर नहीं आएगा, क्योंकि वायग्रा जो है खाना खाने के बाद एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होती है। तो वायग्रा के लिए आपको या सिडनाफिल के लिए आपको या विगोरा या मैनफोर्स के लिए आपको सेक्स से कम 2 घंटे का गैप रखना है खाने के बीच में और दवाई के बीच में। जबकि जो टेडालाफिल है, टेडालाफिल की एब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करती खाने पे। आपने खाना खाया हो, अल्कोहल पिया हो, कुछ भी लिया हो, टेडालाफिल जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, टेडालाफिल का असर आएगा। सेकेंड होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो सिडनाफिल है उसको लेने के बाद कम से कम 2 घंटे या 120 मिनट का वक्त लगता है उसका असर आने में। तो अगर आपको सपोज प्रोग्राम बना के चलना पड़ता है कि हम गोली लेंगे, हमें 2-2.5 घंटे में असर आएगा, जबकि टेडालाफिल का एक्शन जो है वो क्विक होता है, आप लेंगे 16 से 15 मिनट में आपको फर्क आ जाएगा। तो अगर प्लान नहीं है, अगर प्लानिंग नहीं की है, अगर सडनली लेनी पड़े, तो टेडालाफिल का असर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिडनाफिल। तो एब्जॉर्प्शन भी फास्टर है, खाने से इंटरफेरेंस भी नहीं है, और लेने के बाद 15 मिनट के अंदर एक्शन चालू हो जाता है। तीसरा बेनिफिट टेडालाफिल का ये है कि टेडालाफिल वंस अ डे डोजिंग में भी अवेलेबल है। सिडनाफिल का क्या है कि वो SOS ड्रग है। SOS ड्रग मतलब कि सिडनाफिल लेने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइम उस दवाई को लिया जाए, और आपको उस हिसाब से कम 2-2.5 घंटे पहले दवाई लेनी पड़ेगी और 3-4 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। जबकि टेडालाफिल का एडवांटेज ये है कि टेडालाफिल को अगर हम रात को दे दें तो उसका असर 3-4 दिन रहता है। तो अगर सपोज आपका वीकेंड का प्रोग्राम है या आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आपको दवाई पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो टेडालाफिल एक बेटर ड्रग है कि उसको रात को डोज दे सकते हैं, तो उसका जो असर है अगले 3-4 दिन तक आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये तो सबसे पहले तीन मेजर एडवांटेज है टेडालाफिल के सिडनाफिल के ऊपर, जिस कारण से टेडालाफिल आज के दिन बेटर ड्रग है। उसके अलावा साइड इफेक्ट प्रोफाइल के अंदर भी टेडालाफिल जो है वो हार्ट पे कम जोर डालती है। टेडालाफिल जो है हार्ट के अंदर एरिथमिया कम करती है। टेडालाफिल BP को ज़्यादा लो नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू सिडनाफिल। फिर जिन लोगों को सिडनाफिल या वायग्रा लेने से सर में हेडेक होता है, उन लोगों में टेडालाफिल से हेडेक भी जो कंपैरेटिवली कम होता है। टेडालाफिल से होने वाले हेडेक को हम डिस्प्रिन या एस्प्रिन से कंट्रोल कर सकते हैं। टेडालाफिल हार्ट पेशेंट के लिए ज़्यादा सेफ है। प्लस टेडालाफिल का उन मरीजों में भी फायदा है जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। सिडनाफिल का रोल नहीं है, पर टेडालाफिल लेने से प्रोस्टेट के अंदर प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में पेशाब के अंदर भी बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू सिडनाफिल।
तो अगर इन सब चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो टडालाफिल सिल्डनाफिल से एक्चुअली बेटर ड्रग है। डोज भी उसकी कम है, सिल्डनाफिल 50 mg से 100 mg लेनी पड़ती है, टडालाफिल सिर्फ 10 से 20 mg, इवन 5 mg, कई बार सिर्फ 2.5 mg की छोटी डोज भी फायदा दिखा देती है। टडालाफिल ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा फास्ट काम करती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करती है। अब आती है बात कि अगर सिल्डनाफिल टडालाफिल लेना है तो कौन सी दवाई लें। बेसिकली क्या है कि सिल्डनाफिल टडालाफिल के जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल इंपोर्टेड है, जो विश्व में बनते हैं, तो टडालाफिल का ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है वो उसका नाम है सियालिस, और सिल्डनाफिल का ओरिजिनल मॉलिक्यूल उसका नाम है वायग्रा। अब उसके क्या इंडियन जेनेरिक वर्जन बहुत आ गए हैं, पर जो मैंने नोटिस किया अपने पेशेंट्स में कि जो इंडियन जेनेरिक वर्जन है वो हर पेशेंट में अच्छे से काम नहीं करते, बिकॉज उनकी कंसिस्टेंसी या उनकी डोज प्रॉपर नहीं होती। मैंने कई मरीजों में जिनके अंदर उन्होंने लोकल मेडिसिन जैसे मैनफोर्स या लॉन्ग लास्ट या दुनिया भर की जो आजकल आती है फेल कर चुके हैं, उनके अंदर जब ओरिजिनल सियालिस या ओरिजिनल टडालाफिल ट्राई करी तो उसके अंदर भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये एक मेडिकल वीडियो है, इस मेडिकल वीडियो के बेसिस पे आप दवाई ना लीजिए, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए दवाई लेने से पहले।